नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग मीडिया पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अमरूद में एक प्रमुख कीट की, अमरूद की जो फल मक्खी होती है फ्रूट फ्लाई, उसका कंट्रोल कैसे करें, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से आप एक कम दाम में फ्रूट फ्लाई मक्खी को कंट्रोल कर सकते हैं। साथियों, मार्केट में फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के ल्योर अवेलेबल हैं, कुछ सस्ते हैं, कुछ महंगे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि आप किसान साथियों तक एक ऐसी चीज़ पहुंचाएं जो दाम में कम हो लेकिन उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा मिले। तो साथियों, ये जो मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये फ्रूट फ्लाई का जो ट्रैप है, उसका जो बॉक्स है, इस बॉक्स में वो मक्खियाँ फंसती हैं। और ये जो मेरे साथ में है, ये इसको हम ल्योर बोलते हैं, इसमें एक ऐसी गंध होती है जिससे ये मक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं और इसमें आके फंस जाती हैं। लेकिन अब जैसे इसका जो दाम है, 20 रुपये इसका दाम है ये दोनों को मिला के, और हो सकता है कहीं आपको 20 रुपये में ल्योर मिले, ये मेरे को जो ल्योर मिला है वो 10 रुपये का ल्योर है, 10 रुपये का ये ट्रैप है। अब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो ऑब्जर्वेशन रहा है, ये सस्ता होने के साथ साथ उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप किसी और सीज़न में लगाते हैं जब बारिश नहीं है, तब तो ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन बारिश के समय में क्या होता है कि जब हम इसको लटकाते हैं, कभी कभी इसमें पानी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसमें ये छेद देख रहे हैं और इसी छेद के बराबरी से ये लटकता है, मैं आपको आगे खोल के भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से दिखता है। तो जब हम इसमें लटकाते हैं तो बारिश का पानी इसमें जाने के कारण इसका जो इफेक्टिवनेस है, इसकी जो एक ताकत है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। आइडियली इसको कम से कम 45 दिन चलना चाहिए, लेकिन बारिश का पानी पड़ने के कारण ये बहुत ही जल्दी इसका जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं कि इसकी जगह ये लेयर तो हम एज इट इज़ रखने वाले हैं, ये जो ट्रैप है, इस ट्रैप की जगह हम आज कुछ और डिफरेंट करने वाले हैं। और ये जो प्लास्टिक की बॉटल है, इसको हम ट्रैप बनाएंगे और इस प्लास्टिक की बोतल में हम ये ल्योर लगाने वाले हैं। और ये आइडिया हमारे जागरूक किसान परिवार जो ग्रुप है, वहाँ से मुझे मिला है। राजकुमार जैन सर ने एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया है, और ये कहीं ना कहीं अनुभव से ही आता है कि जब हम इस तरह के प्रयोग अपने खेत पर करते हैं। जैसे मैंने बताया कि पिछली बार जब मैंने ये फ्रूट फ्लाई का ट्रैप लगाया था, मैंने भी ऑब्जर्व किया कि उसमें पानी जाने के कारण इसका असर कम हो जाता है। तो जैन सर ने बताया कि इस तरह की जो बॉटल से अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो बहुत सेफली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पानी जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं इसमें, और इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा दिन तक बना रहता है। तो ये हम किस तरह से इसको बनाने वाले हैं, वो आपको आगे मैं दिखाता हूँ। तो साथियों, ये प्लास्टिक की बॉटल में हम वो छेद करने जा रहे हैं, इसमें हम एक फनर का यूज़ कर रहे हैं, और आगे जाके ये जो हमारा कटर है इसका भी हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से कट करना है। अब लेकिन अब यहाँ हमको ध्यान क्या देना है कि ये जो हम इसको मोड़ रहे हैं, ये पॉइंट को हम जो मोड़ रहे हैं, इसको इस तरह से मोड़ना है कि अब ये देखिए, अब क्या होगा कि इसमें ऊपर से बारिश का पानी के आने की चांसेस थोड़े कम हैं, और अगर आ भी गया तो हम जो ट्रैप है वो इससे हम करीब 1 या 2 इंच ऊपर लगाएंगे। ये हमारा ये एक विंडो हो गया, यहाँ हम ट्रैप लगाएंगे। तो ये इस तरह से लटकेगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा पूरा प्रोसेस उसका। तो इसमें हम आपको ट्रैप लगा के बताते हैं कि किस तरह से हम इसमें वो जो लेयर है वो हम लगा रहे हैं। तो साथियों, ये वो लेयर है जिसके महक से जो फल मक्खी है वो इसमें ट्रैप होती हैं, फंसती हैं। तो अभी हम इसको लगा रहे हैं, इस तरह का एक धागा साथ में आता है, तो वो धागा हमने इसमें से निकाला है। ये देखिए, इतनी हाइट पर हमने इसको लगाया है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको छेद नहीं करेंगे, इसको पहले चारों तरफ इसी कैप के आसपास हम इसको मर देंगे। हमने ढक्कन में छेद नहीं किया है, इसको ऐसे ही टाइट कर देंगे। और ये हमारा आप देख सकते हैं ट्रैप तैयार है। अगर आप मैं थोड़ा सा आपको इसमें दिखाऊं कि ये, अब देखिए ये जो विंडो है ये नीचे की तरफ है, इसमें पानी आने के चांसेस कम है। पानी अगर आ भी गया तो वो हमारा ट्रैप जो है वो सुरक्षित है, लेयर जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसमें पानी नहीं आएगा। तो ये एक फुल प्रूफ मेथड है, बारिश में अगर आपको ये ट्रैप लगाने हैं तो इस तरीके से आप लगाइए, क्योंकि ये वाला जो साथ में आते हैं ये बिल्कुल यूजलेस हैं, कोई काम के नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें पानी जाता है, पूरा लेयर का जो इफेक्टिवनेस है, असर है,
को पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो ये एक हमारा लेयर तैयार है, इसको हम अभी हम हमारे एक अमरूद के पेड़ में लगाने वाले हैं। तो साथियों ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इस समय इसमें फ्रूटिंग है अमरूद के पेड़ में। और ये अभी हमारा जो लेयर है, जो ट्रैप है, वो हम इस तरीके से हमने इसको लटका दिया है। तो ये हमारा ट्रैप तैयार है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें हमने लेयर को लगा दिया है। पानी जाने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं और कुछ दिन बाद इसमें कैसा रिजल्ट है फल मक्खियों का, वो मैं आपको ज़रूर वीडियो के थ्रू अपडेट करूंगा। तो साथियों इस तरीके से आप एक सस्ता टिकाऊ फ्रूट फ्लाई का ट्रैप अपने खेत पर ही बना सकते हैं। तो आपको बस क्या करना है कि ये जो लेयर अंदर की जो टिकिया लगती है वो आपको बस खरीदनी है, ट्रैप खरीदने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो इससे आप कई पैसा इसमें आप बचा सकते हैं। तो 10 से लेके 20 रुपए में आपको अच्छी क्वालिटी का ये जो लेयर है मार्केट में अवेलेबल है। और फ्रूट फ्लाई से रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न हैं, कोई डाउट्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।